किसकी बनेगी सियासत, किसका होगा महापौर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आ चुके हैं कुर्ला विधानसभा के वार्ड क्रमांक 168 में, जहां पर स्थानिक पूर्व आमदार मिलिंद अन्ना कांबले के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम का एक भव्य आयोजन यहां भी किया गया है। जैसा कि हमने देखा है कि कुर्ला तालुका के अंदर, कुर्ला विधानसभा के अंदर अन्ना जी के नेतृत्व के अंदर एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर एक अच्छा, एक नया ऐसा वातावरण बना हुआ है कि एक टिकट लेने की होड़ मची हुई है। हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे इस कार्यक्रम के आयोजक और पूर्व आमदार मिलिंद अन्ना कांबले जी से। अन्ना कांबले जी, ये परिवर्तन सभा का आयोजन, इसके बारे में जानना चाहेंगे। ये परिवर्तन सभा का आयोजन जो हिसाब से किया गया, हमारे राष्ट्रीय नेता जो शरद चंद्र जी पवार साहब ने, सचिन भाऊ हमारे महाराष्ट्र के सरचिटनीस मुनाफ भाई हाकिम साहब, और हमारे जिला अध्यक्ष आसिफ मामला, आज ये परिवर्तन सभा का आयोजन करने का मेन मसला ऐसा है कि लोगों में जो दिक्कत है, आज पैसे की मारामारी है, समस्या की मारामारी है, वाटर मीटर गटर के सब प्रश्न है। आज आप देखो अपना ही पैसा, काला पैसा बोल के काम करने वाले लोगों की जो समस्या है, बैंकों की लाइनों की समस्या है, हर चीज में एक जो लोग एक त्रस्त अवस्था में चल रहे हैं, उनका ऐसा एक विश्वास था कि हम कुछ तो परिवर्तन करने के बाद हम एक ऐसा इतिहास बनाएंगे। बीजेपी शिवसेना सरकार लाने का उन्होंने काम किया, लेकिन 2.5 साल होने के बाद लोग आज रास्ते पे खुद का पैसा निकालने के लिए बैंकों की लाइन लगा रहे हैं, और उनकी हर समस्या शिवसेना हो या बीजेपी हो, कोई भी समस्या उनकी पूरी कर नहीं पा रहे, क्योंकि उन्होंने आज तक 20-25 साल से जो बीएमसी सरकार में बैठ के भ्रष्टाचार खाने का, पैसा खाने का काम किया है, वो हिसाब से वो लोग आज की तारीख में उनको यही लगता है कि हमारी अभी ऊपर सरकार बीजेपी की है, यहाँ आमदार शिवसेना का है, नीचे भी अपन अपना ये लाते हैं, तो मिल बांट के कैसे कैसे लोगों को फंसा के उनकी समस्या बिना काम करने के बाद भी लोगों को छुटिया बनाने का काम कैसा करना है, वो ये समस्या लेके काम करने वाले हैं। इसके लिए हमने राष्ट्रवादी की सभा यहाँ लगाई है कि हर तरह के लोगों को ये मालूम पड़ना चाहिए कि आज अपन अच्छे दिन के भरोसे जो फंस गए हैं, जो अपने को लोगों ने बताया है कि वह अच्छे दिन आने वाले हैं। आज हमारे यहाँ के गुजराती मारवाड़ी जो बंधु भाई है, उन्होंने भी बीजेपी का साथ दिया, लेकिन जो आज उन लोग खुद ही बोलते हैं, जो हमको कमल का फूल दिखाने का काम किया, आज ऐसा है हमारी एक ही भूल, कमल का फूल लेकर हम लोग काम करना चाहते। कहीं ना कहीं ये माना जाए अन्ना जी कि ये परिवर्तन सभा आपने किया है और जनता से आह्वान किया है कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव के अंदर शिवसेना बीजेपी से परिवर्तन किया जाए और आपकी सरकार या आपके लोगों को मत किया जाए, यही है ना? हम लोग यही चाहते हैं कि आज के बाद जो लोगों ने ये सभा में और ये लोगों की जो समस्या है, ये लोगों की समस्या का लेके हम लोग ये सवाल ये है, क्यों तो यहाँ के जो लोग प्रस्त है उनका ये कहना है कि अभी हमको बीजेपी सरकार, शिवसेना सरकार, ये बीएमसी कारपोरेशन इनका नहीं चाहिए, राष्ट्रवादी का कारपोरेशन मिलना चाहिए। राष्ट्रवादी ने जो भी काम किया, आज हमारी आग खुल गई, हमारी गलती हो गई कि हमने बीजेपी सरकार और शिवसेना सरकार को मदद किया है। अच्छा, मैं आपसे एक बात करूंगा और मुनाफ हकीम जी आपसे भी बात करना चाहूंगा कि ये कैसे माना जाएगा कि हाल ही में इतनी बड़ी घटना आपके लोगों के साथ में हुई है, एक मंच पे दो बड़े नेताओं के समर्थकों ने आपस में भिड़ गए हैं, जनता कैसे विश्वास करें? मुनाफ आपकी आपसे बड़ा सवाल है। देखिए, जहाँ तक के लोकतंत्र का सवाल है, यहाँ पर हर व्यक्ति को अपने जाति विचारों को रखने का हक है, और अगर किसी दो नेता के दरमियान में कोई मतभेद हुए हों और मन मुटाव से कोई अगर एक कोई ऐसी घटना घटी हो, उसके ऊपर हमारे पार्टी के दोनों नेता ये समझ चुके हैं कि इससे हमारे पार्टी का नुकसान होगा, दोनों नेताओं ने आपस में समझौता करने का एक भूमिका अपनाई है, हम उसका स्वागत करते हैं। अच्छा मुराद भाई और अन्ना जी, आप दोनों से मेरा एक ही सवाल है कि जो अभी जो चुनाव हाल ही में हुए नगर अध्यक्ष नगर पालिका के, जो रिजल्ट्स वहां पर आए, उससे आप दोनों व्यक्ति संतुष्ट हो? देखो कैसा है, लोगों के विचार आज कुछ दिन उनको भी दिए जाएंगे, वो हिसाब से उन्होंने नगराध्यक्ष के इलेक्शन में ऐसा काम किया कि भाई हम लोग कुछ अच्छे दिन लाने वाले हैं। आज लाने वाले के विश्वास में 2 साल हम लोग 2.5 साल रुक गए, एक फिलहाल खाली से थोड़ा सा वक्त ऐसा हो गया जो बीजेपी के
नोटबंद का कार्यक्रम हो गया, लोगों को लगा कि आज काला पैसा बाहर से आने वाला है, लेकिन ये ऐसा हो गया है कि बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी साहब ने ये हमारे ही काले पैसे को, अच्छे पैसे को, मेहनत के पैसे को, पसीने के पैसे को, जो हमारे महीने का जो पेमेंट आता है वही पैसे को उन्होंने काला डिक्लेयर करके हमको ही बैंकों के बाहर लाइन लगाने का काम करने के आज ऐसा है कि वो जो पैसा है वो हमारा पैसा, हम लोग बैंकों के लिए लाइन लगा के ले रहे हैं। लोगों को ये मालूम था कि काला पैसा आके हमको कुछ 15 लाख रुपया हमारे राशन कार्ड पे आने वाला है, हमारे बैंकों में आने वाला है, लेकिन फिलहाल वो जो नगर परिषद का इलेक्शन हुआ उनको लग रहा था कि जो पैसा हमारे कार्ड पे आने वाला है बैंकों का और ये जो काला धन का जो प्रश्न हुआ उसी कारण उन्होंने स्टार्ट में ये बंद होने के बाद तुरंत इलेक्शन लगने के लिए लोगों को ये समस्या लगी कि अपना पैसा आने वाला है, ये चक्कर में वोट दिए। हम समाधानी नहीं है, लेकिन हमारे को इसके बाद जनता अच्छा कॉल देगी, राष्ट्रवादी कांग्रेस के तरफ लोगों का अच्छा कॉल आगा, बीएमसी में हमारा झंडा फड़केगा, ये हम आह्वान करते हैं। अच्छा, एक दो सवाल करेंगे, एक आखिरी सवाल अन्ना जी से, एक आखिरी सवाल मुरा फकीम जी से। सर, ये चाहता हूँ मैं कि अगर नगर अध्यक्ष चुनाव, नगर पंचायत चुनाव में कांग्रेस साथ में आपका गठबंधन होता तो क्या वहाँ के रिजल्ट अलग होते? कांग्रेस राष्ट्रवादी ये एक सर्वधर्म समभाव लेके चलने वाली पार्टी है, एक साथ में आए तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। और आज कैसा है, कांग्रेस राष्ट्रवादी 15 साल सत्ते में थी, आज भी उनको लग रहा था कि भाई अपन एक साथ में काम करेंगे तो अच्छा है। कोई नेता लोग के थोड़े असंतुष्ट ये जो प्रॉब्लम हुआ है वो एक जगह आने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस एक होकर काम करेगी और आपको महाराष्ट्र में अच्छा रिजल्ट देने का काम करेगी। मुना हाकिम, जो हमारे साथ में जो महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष है, मुना हाकिम जी, आपसे आखिरी सवाल मेरा है, क्या लगता है कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव के अंदर गठबंधन होना चाहिए आपके साथ में कांग्रेस का? देखिए, अभी मुंबई महानगर पालिका का जो अभी का अस्तित्व है, जिसमें शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी है, इन दोनों पार्टियों के भ्रष्टाचार के बारे में महापालिका आयुक्त खुद कह रहे हैं कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार मैं समझता हूं कि दुनिया में कभी हुआ नहीं है और होगा भी नहीं, ये महापालिका के आयुक्त कह रहे हैं। और इसी वजह से दोनों दल, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये समझ रही है कि ये भ्रष्ट सरकार को, भ्रष्ट दलों को अगर मुंबई शहर से हमने नहीं निकाला, क्योंकि मुंबई शहर महानगर पालिका का जो बजट है वो किसी एक छोटे राज्य के बजट के मुताबिक है, और इतना बड़ा भ्रष्टाचार ये दोनों दल मिलकर करते हैं, गठबंधन होना चाहिए, होना चाहिए, ये हटाने के लिए हम दोनों दल कटिबद्ध है और हम दोनों आपस में एक साथ होकर मुंबई शहर के से इनका अस्तित्व मिटाना चाहते हैं, मिटा देंगे। ये थे मुना हकीम जी। और मेरी अन्ना कमले जी, आपने जोश देखा है कि जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग मेहनत कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव के अंदर महापौर एनसीपी का ही होगा। अब देखना होगा कि आने वाले 2017 चुनाव के अंदर किसकी बनेगी सियासत, किसका होगा महापौर। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, कुल्ला विधानसभा से प्रतिभा सीकर के साथ।